दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। उन्हीं जगहों में से इजिप्ट के पिरामिड्स है। इजिप्ट की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़ी कई ऐसे रहस्य है जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उस समय का इजिप्ट का राजा था। इस पिरामिड को प्राचीन इजिप्ट के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वही इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं, आदर तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो फिर राजा और रानी की मम्मीज क्यों नहीं मिली, जबकि कुछ मम्मीज मिली है पर राजा और रानी की अभी तक नहीं मिली? इन पिरामिड्स को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड्स को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। तो क्या उस समय भी इतनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी थी? द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ही पत्थर से बनाई गई मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। क्या सच में गीजा के पिरामिड्स को इजिप्ट के लोगों ने ही बनाया था? क्या उस समय भी इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजीज थी, या इसे बनाने में उनकी किसी ने मदद की थी? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यार, ये क्या है, वीडियो देखने वालों में से 99% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं किया। करो ना यार सब्सक्राइब ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।